हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि राउडी राठौर 2 के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को अप्रोच किया गया है। जी हाँ, भले ही आपको यकीन ना हो लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि राउडी राठौर के मेकर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अक्षय कुमार की जगह अप्रोच किया है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस फिल्म के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखाएंगे, राउडी राठौर का नाम ही काफी है। लेकिन मैं पूरी तरह से हैरान हूं कि कैसे राउडी राठौर के मेकर्स इसके सीक्वल के लिए किसी और एक्टर के बारे में सोच सकते हैं। क्यों बाप जी, देख के डर गया या डर के देख रहा है? भले ही राउडी राठौर रीमेक थी लेकिन अक्षय कुमार का करेक्टर उस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। लेकिन अब लगता है कि भूलभुलैया की तरह एक और सिक्वल अक्षय कुमार के हाथ से जाने वाला है। बहुत बुरी खबर है। फिल्म की प्रोड्यूसर सबीना खान ने इस फिल्म को लॉक कर दिया है और अभी वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से इस फिल्म के बारे में बात कर रही हैं। और खबरों की माने तो इस फिल्म को अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे, वही अनीस बज्मी जिन्होंने भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट किया था। आपके मन में काफी सवाल होंगे लेकिन अभी थोड़ा रुकिए क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अक्षय कुमार की जगह राउडी राठौर 2 में सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखना चाहेंगे? इस गांव में सिर्फ एक ही राउडी होना चाहिए, मैं राउडी राठौर। जवान में अल्लू अर्जुन के कैमियो की खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो क्या सही में अल्लू अर्जुन ने जवान के कैमियो को शूट कर लिया है? देखो सही बताऊं तो मैं थक गया हूं। कभी कहते हैं कैमियो है, कभी कहते हैं कैमियो नहीं है। अब जब तक मैं खुद फिल्म में अल्लू अर्जुन को ना देख लूं तब तक तो भाई मुझे यकीन नहीं होगा कि अल्लू अर्जुन जवान फिल्म में नजर आएंगे। कोई कुछ भी कहे, हाँ अगर जवान के मेकर्स कहते हैं तो थोड़ा यकीन हो सकता है, उसके अलावा कोई और कहे तो मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। पर सही बताऊं तो मेरा ये सपना है कि अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान एक साथ एक फिल्म में नजर आएं। तो क्या ये सपना जवान फिल्म में पूरा होगा? आपको क्या लगता है और क्या आप भी शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन को एक साथ देखना चाहते हैं? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अगर आप भी विक्रम वेधा और भेड़िया के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो भाई ये जानकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी कि अब ये दोनों फिल्में बहुत जल्द जियो सिनेमा पर आने वाली हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को भेड़िया और 8 मई को विक्रम वेधा जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। देखो कल 12 अप्रैल को जियो का इवेंट है तो कल बहुत सारी अपडेट आने वाली है। विक्रम वेधा और भेड़िया के साथ कल 12 अप्रैल को असुर सीजन 2 की रिलीज डेट भी अनाउंस होगी, कल यानी कि 12 अप्रैल को। 2018 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म राज ससन को तो आप सबने देखा ही होगा। पिछले साल जो अक्षय कुमार की कठपुतली फिल्म आई थी उसे इसी फिल्म से रिमेक किया गया था। तो भाई राज ससन की जोड़ी एक और फिल्म के साथ वापस आ रही है। डायरेक्टर राम कुमार एक और फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें विष्णु विशाल लीड रोल में नजर आएंगे। एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म होगी जिसकी शूटिंग मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। विष्णु विशाल अभी लाल सलाम की शूटिंग कर रहे हैं जिसे ऐश्वर्या रजनीकांत डायरेक्ट कर रही हैं। लाल सलाम इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। डायरेक्टर अयान मुखर्जी और करण जौहर के बीच कुछ मनमुटाव हो गया है और इसीलिए अब अयान मुखर्जी ने करण जौहर का साथ छोड़ दिया है और अब ब्रह्मास्त्र 2 और 3 किसी और प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाएगी। अभी हाल ही में जब ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कहीं पर भी करण जौहर या उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम मेंशन नहीं किया गया था। तो लगता है कि लफड़ा हो गया है और अब ब्रह्मास्त्र 2 और 3 किसी और प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाएगी। इस टाइम अक्षय कुमार और करण जौहर का टाइम काफी खराब चल रहा है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बैड बॉयज के चौथे पार्ट में एरिक डैन विलन के रोल में नजर आएंगे। बैड बॉयज 4 की अनाउंसमेंट 2020 में ही की गई थी लेकिन 2022 में ऑस्कर के इंसिडेंट की वजह से फिल्म को रोक दिया गया था। लेकिन जैसा कि फरवरी में विल स्मिथ ने कहा था कि फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है तो इसलिए में एरिक डैन को विलन के रोल के लिए साइन किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2024 एंड तक रिलीज होगी। एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि 2021 में रिलीज हुई पवन कल्याण की सुपरहिट फिल्म वकील साहब का दूसरा पार्ट आने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर वेणु श्रीराम ने खुद कहा है कि वो अभी वकील साहब 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवन कल्याण की ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म पिंक की रिमेक थी। पिंक का सिक्वल तो नहीं आया है लेकिन अब वेणु श्रीराम वकील साहब का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। वेणु श्रीराम ने कहा है कि वकील साहब दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसी के साथ इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो देखते हैं वकील साहब के दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कब तक होती है। सहलेंगे थोड़ा सा। साई धर्म तेज की पैन इंडिया फिल्म वीरूपक्षा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर काफी अच्छा है जिसमें सस्पेंस से भरी एक थ्रिलर कहानी नजर आ रही है। एक गांव की कहानी है जहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। तो देखते हैं साई धर्म तेज की ये फिल्म कैसी होती है। वीरूपक्षा 21 अप्रैल को तेलुगु के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी।
सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 17 अप्रैल से एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होगी। तो किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आप सबको कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड हैं सलमान खान की इस फिल्म को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।